लग गया है सर। अरे दिखा नहीं देता। अरे देता है, और देख के तो चल रहा था और चलते हुए देखने की तो कोशिश कर रहा था। अरे मैडम कहाँ चल दी, दिखा के तो जाइए। कार्तिक इसे तो मैं बताऊं। कार्तिक मेरे से पंगा मत लेना, अपनी बहन को घर पे रखा कर। कार्तिक तुम ठीक हो? ठीक है, तुझे चोट लग गई? मैं ठीक हूँ दी। कार्तिक छोड़ो, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लड़ते। चल कार्तिक, तुम्हें तो बहुत चोट आई है। अरे निधि कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ बाबा, सच में। अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ, बाय बाय। लेकिन कार्तिक सुन, ये दूध पी ले, दर्द थोड़ा कम होगा। और मुझे क्या जरूरत थी इतनी हीरोगिरी करने की, देख कितनी चोट लग गई। अच्छा तो कोई आपके साथ बदतमीजी करेगा तो मैं चुपचाप देखता रहूं, कुछ करूं ही नहीं? दी भले मैं आपका छोटा भाई हूं, लेकिन आपकी रक्षा करना मेरा भी तो फर्ज है ना। आप सिर्फ मेरी बहन नहीं, मेरी माँ भी है। कितनी केयर करती हैं आप मेरी। बहुत प्यार करता है ना तू मुझसे। अरे ये देख तेरी घड़ी भी टूट गई। अच्छा एक मिनट, दी आप ये कब लाई? सरप्राइज। दी लेकिन ये तो बहुत महंगी होगी ना। अरे तू मेरा भाई थोड़ी मामूली है, ला तुझे पहना देती हूँ। माँ पापा के जाने के बाद 10 साल तक आपने बहुत मेहनत की है, छोटे बड़े काम किए हैं, पढ़ाई छोड़ दी ताकि मैं कुछ कर सकूँ, कुछ बन सकूँ, और देखो आज मैं बन गया हूँ। मेरा भाई इतना बड़ा हो गया। कार्तिक जब तक तेरी ग्रह से नहीं बच जाती ना, तब तक मैं अपने बारे में सोच तक नहीं सकती, समझा? हाँ मैं देख लिया। हाँ जी कार्तिक, ठीक हो ना? चोट तो नहीं आई ना तुम्हें? हाँ मैं ठीक हूँ। निधि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें इतनी चोट आई है, मैं देखने कैसे नहीं आती तुम्हें? हाँ दी ये ना वो ये निधि है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड? हाँ दी आप दोनों बात करो, मैं अभी आता हूँ। अरे रुक, कहाँ जा रहा है? अच्छा भाई वैसे मुझे ये लड़की पसंद है, पर इसके घर वालों को भी तो पसंद है या नहीं? नहीं उन्हें अब तक कुछ पता नहीं है। लो कर लो बात, अब ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो आते हैं तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने। जी चाय लीजिए ना आप लोग। जी आंटी जी, वैसे तो रिश्ते की बात किसी बड़े बुजुर्ग को लेके आनी चाहिए, पर हमारे घर में हम दोनों भाई बहन के अलावा और कोई नहीं है, और कार्तिक एक इंटरनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर है, निधि से बहुत प्यार करता है। हमारे घर में निधि बहुत खुश रहेगी। हमारी बेटी की खुशी में ही हमारी खुशी है, और निधि और कार्तिक अगर एक दूसरे को पसंद करते हैं तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, बस हमारी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? अगर इस घर से बेटी उस घर में जाएगी तो उस घर से बहू हमारे घर में आएगी।
आंटी जी आप क्या बोल रहे हैं, मैं कुछ भी समझी नहीं। देखो बेटा, निधि की शादी कार्तिक से तभी हो सकती है जब तुम प्रताप से शादी करके इस घर की बहू बनकर आओ। बट आंटी जी, मेरा फिलहाल शादी करने का कोई इरादा नहीं है। हमारे यहाँ एक प्रथा है, अटा सटा की प्रथा, और ये प्रथा इसलिए बनाई गई है ताकि बेटी को ससुराल में किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। और अगर कार्तिक निधि को उस घर में सुखी रखेगा, उसके साथ अच्छा व्यवहार रखेगा, तो उसकी बहन के साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा। पर आंटी जी, आजकल इन प्रथाओं को कौन मानता है? हम मानते हैं ना, और ये प्रथाएं बनाई भी तो बेटियों की भलाई के लिए ही है ना। इसी डर से कोई भी मर्द अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करता, क्योंकि उसे पता है उसकी बहन के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा। आंटी जी, मैंने फिलहाल तो शादी के बारे में कुछ भी सोचा नहीं है, और आप यकीन मानिए मेरी बात का, निधि हमारे घर में बहुत ज्यादा खुश रहेगी। हाँ, पर ये फैसला तो अब तुम दोनों भाई बहन को ही मिलके करना। आपको किसी बात की प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी वो प्रताप आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं। कार्तिक, बात सिर्फ उम्र की नहीं है, पर ऐसे किसी को बिना जाने पहचाने शादी करना, बस इसीलिए मन थोड़ा घबरा रहा है। क्या पता हमारी सोच मिले ना मिले, हमारी पसंद मिले ना मिले, और ऐसे बिना जाने पहचाने शादी करना। दी, आप सही कह रही हैं। मैं और निधि एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। बिना प्यार के शादी करना तो मैं सोच भी नहीं सकता। मैं काम करता हूँ, मैं उन्हें फोन करके मना कर देता हूँ। क्या सोचा है, पायल प्रताप से शादी करने के लिए तैयार है? नहीं। हम समझ सकते हैं, लेकिन क्या करें, हम माँ है ना, और माँ तो मजबूर होती है। हम निधि की शादी अटा सटा प्रथा से ही करेंगे। अगर पायल प्रताप से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है तो ही तुम्हारी शादी निधि से हो पाएगी। हमें माफ करना बेटा। मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं। आंटी जी नमस्ते, मैं पायल। मैं ये शादी के लिए तैयार हूँ। बधाई हो बेटा, मैं अभी निधि को बताती हूँ, सुन के बहुत खुश हो जाएगी। जी ठीक है आंटी जी। दी, आपने क्या किया? कार्तिक, मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती। तू और निधि एक दूसरे से बहुत प्यार करते, अगर मेरी ये शादी करने से सब लोग खुश हैं तो मैं भी इसी में खुश हूँ। मैं ये शादी जरूर करूँगी। फाइनली हमारी शादी हो गई। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी आसानी से मान जाएगी। सच कहते हैं, अगर दोनों का प्यार सच्चा हो तो पूरी कायनात लग जाती है उनको मिलाने में। निधि, कायनात का तो पता नहीं, लेकिन हमें मिलाने वाली दी हैं। पता नहीं उन पर क्या गुजर रही होगी। कार्तिक, आज हमारी सुहागरात है। निधि, तुम नहीं समझ रही हो, दी शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उन्होंने तो अपने भाई की खुशी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। कार्तिक, दी बिल्कुल ठीक होगी, मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान है। बाय।
परेशान तो नहीं होना जी? नहीं पायल, मैं जानता हूं तुम्हें शादी से खुश नहीं हो। तुम शादी से पहले अपने पति को जानना चाहती थी, समझना चाहती थी, लेकिन तुमसे मिलते ही मुझे ऐसा लगा जैसे हमारी सालों से पहचान है। जानती हो पायल, हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। तुमने अपने माता पिता की मौत के बाद अपने भाई को बड़ा किया, उसे काबिल बनाया। मैंने भी अपने पिता को बहुत छोटी सी उम्र में खो दिया, बहुत छोटी सी उम्र में। इस घर की, मेरी माँ की, निधि की जिम्मेदारी सामने आकर खड़ी हो गई। फिर क्या था, अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं और उम्र गुजरती गई। तुम्हें पता है पायल, हम दोनों को जिंदगी जीने का मौका कभी मिला ही नहीं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों एक दूसरे में अपनी दुनिया बसा लें? तुम बेकार में इतने परेशान हो रहे हो, दीप बिल्कुल ठीक होगी। अरे निधि, तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने फूलों की तरह पाला है। तुम जिसे प्यार करती हो उसके साथ हो, लेकिन मेरी दी ने पूरी जिंदगी सिर्फ कुर्बानियां ही दी हैं मेरे लिए, और आज वो उस घर में उन अजनबियों के साथ। बस करो कार्तिक, तुम्हारी दी मेरे घर में है और उनकी मेरे भाई से शादी हुई है। मेरा भाई तो राक्षस है जो मेरी दी को खा जाएगा। मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी है। ऑफ कर दो। हेलो दी, हाँ कैसी हैं आप? सब ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, पर तू इतना घबराया हुआ क्यों है? वहाँ सब ठीक है ना? अरे दी, मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे तो पूरी रात नींद ही नहीं आई। कितनी बार सोचा कि मैं आपको फोन करूँ, लेकिन इतनी रात को फोन करना भी ठीक नहीं है। आपकी बहुत चिंता हो रही थी दी। मेरी वजह से आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दी। अगर मैंने ये फैसला नहीं लिया होता ना, तो शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाती। मतलब? मतलब कि प्रताप जी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं और एकदम खुली किताब की तरह हैं। एक ही रात में ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं उन्हें बरसों से जानती हूँ। थैंक गॉड दी, आपको पता नहीं है मुझे सुन के कितना सुकून मिला है। आई रियली लव यू दी, प्लीज अपना ध्यान रखना और कोई भी प्रॉब्लम हो ना मुझे तुरंत फोन करना। ठीक है, और तू भी अपना ध्यान रखना। ओके बाय। जब तक प्रताप जी है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। सुनो, मेरी अभी पायल दी से बात हुई, तुम्हारे भाई की बहुत तारीफ कर रही थी। प्रताप भाई साहब के साथ बहुत खुश है वो। चलो अच्छा है, कोई तो अपने पति से खुश है।
गुस्सा हो क्या? नहीं नहीं, तुम्हारी बहन के चक्कर में भी सुहागरात की तो बैंड बजा दी, मुझे तो खुश होना चाहिए ना। सुनो, ये बटा सटा वाली शादी है ना, तो जैसा सुलूक मेरी बहन के साथ वहाँ होगा वैसा सुलूक मैं तुम्हारे साथ करूँगा। अगर मेरी बहन वहाँ खुश है तो तुम्हें खुश रखने की जिम्मेदारी तो मेरी बनती है। अच्छा छोड़ो, मुझे क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहा हूँ, मतलब अपनी पत्नी को मना रहा हूँ। सॉरी, मुझे रुकने में थोड़ी देर हो गई। अरे कोई बात नहीं, जब रात इतनी हसीन होगी सुबह में आँख खुलने में थोड़ी तो देर होगी ना। आप भी ना। अच्छा सुनो, जल्दी से तैयार हो जाओ, माँ के साथ कुलदेवी के मंदिर जाना है। ठीक है। संभल कर पायल बेटा, ये रमन है, प्रताप का बिजनेस पार्टनर और बहुत ही खास दोस्त, कल रात ही आया है। नमस्ते। खुश रहो बेटा, हो गई तैयारी? जी मम्मी जी, हमें कुलदेवी के मंदिर जाना है। चलो क्या कर रही है? लाइए दीजिए। अरे भूला क्या हो गया, ये मैं भी तो कर सकती हूँ ना। भाभी जी, आप तो हमारी नौकरी खा जाएंगी। होला तुम भी ना। भाभी जी, आप ये शादी करके खुश तो है ना? हाँ भूला, मैं बहुत खुश हूँ। और तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? नहीं, वो आपने पहले मना कर दिया था ना शादी के लिए, इसलिए हमने पूछा। नहीं भूला, हम बहुत खुश हैं। हमारे पति बहुत अच्छे हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं। हमने जैसा ससुराल सोचा था हमें बिल्कुल वैसा मिला। थोड़ी सी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, आंखें बंद करो। प्रताप, इतनी रात में तुम बहू को छोड़ के कहाँ जा रहे हो? माँ वो मैं किचन जा रहा था, माँ बहुत प्यास लगी थी, पानी पीने जा रहा था। लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं इतनी रात को, आपको नींद नहीं आ रही? अरे क्या बोलूँ, ये
गठिये का दर्द भी ना मुझे लेकर ही जाएगा। सोचा थोड़ा लहसुन तेल गरम करके मालिश कर लो। माँ मैं लगा देता हूँ, आप आइए यहाँ पे आराम कीजिए। लेकिन बहू? हाँ बहू के पास ही तो जाना है, चला जाऊंगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप यहाँ आइए, चलिए आराम से। आप चूहे से डरती हैं? हाँ। हेलो दी, कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ, तू ठीक है ना? मैं भी ठीक। मुझे तुम्हें बात करना होता क्या अपनी दी से? मुझे भी तो अपनी भाभी से बात करने दो। हेलो अभी कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? क्या हुआ भाभी, तुम्हारी आवाज सुन के ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम किसी सोच में हो? नहीं नहीं तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है। बताइए ना भाभी, कहीं भैया ने कुछ ज्यादा ही तो परेशान नहीं कर दिया आपको? नहीं निधि, तुम्हारे भाई ने कुछ ज्यादा परेशान नहीं किया। वो बात वैसी है कि जब मैं आज सुबह किचन में काम कर रही थी ना, तो तब अचानक से चूहा आ गया, मैं डर गई, तो तुम्हारे भैया आए और मैंने एकदम जोर से उन्हें हक कर लिया। पर पता नहीं, जब मैंने उन्हें छुआ तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं उन्हें पहली बार छू रही हूँ। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा भी कुछ होता है क्या, मतलब ये सब नॉर्मल है? ओहो भाभी क्या बात है, किचन में खुलम खुला रोमांस चल रहा है, भला उस चूहे का जिसके डर से भैया की बाहों में तो आई। अच्छा चलो ठीक है, हम फोन रखते हैं, ख्याल रखना। ठीक है भाभी चलो बाय। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे मैंने पहली बार छुआ, कैसे हो सकता है? बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, सो जाए। ये हिम्मत रोज रात देखती हैं आप हमारी? क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये लीजिए, नाम हमारा भोला है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि आप इतनी भोली निकलेगी। अरे भाभी जी, भले ही आपकी शादी प्रताप भैया से हुई हो, पर असल में पति का फर्ज तो हम ही निभाते हैं, आपको सुख देख के।
इतना धीरे भाभी, धीरे। आपने सुना नहीं, बेडरूम की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। यहाँ से बाहर निकलो। प्रताप! पायल? ये सब क्या चल रहा है? अगर आपको यही सब कुछ करना था तो करते ना। मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? मुझसे शादी क्यों की? आप अपने नौकर को हर रोज मेरे पास भेजते रहे। हाँ तो क्या हुआ? ची! कितने घटिया इंसान है आप! अरे आप तो इंसान ही नहीं है। एक बार भी नहीं सोचा मैं आपकी बीवी हूँ। प्रताप, एक बार भी नहीं सोचा। पर अब बहुत हुआ। मैं पुलिस के पास जाऊंगी और सब कुछ बताऊंगी कि इस घर में मेरे साथ क्या क्या हुआ। देख लेना तुम। पुलिस के पास जाएगी, जाकर दिखा। प्रताप, तो पागल है क्या? भाभी को थप्पड़ मार दिया। भाभी जी, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। अब इसमें इसके भी कोई गलती नहीं है। प्यार पे किसी का जोर नहीं चलता ना। अब आप इसमें प्यार ढूंढ रही थी और इसे एक मर्द से प्यार हो गया। वैसे अब टेंशन मत लीजिए, मैं इस मामले में कोई भेदभाव नहीं रखता। मेरे लिए मर्द और औरत सब सेम है। क्या कहती है? पुलिस के पास लेकर जाएगी। अभी अभी जो तुमने मेरे दोस्त के साथ रंगरलिया मनाई है ना, उसका पूरा वीडियो इस मोबाइल फोन पे है। अगर तुम पुलिस के पास गई या फिर तुमने अपने भाई को या किसी और को कुछ भी बताया तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा। समझी तुम? हेलो दी, कहाँ हो आप? कब से? कितने फोन किए आपको? आप ठीक तो है ना दी? आप रो क्यों रही है? क्या हुआ है दी, बताओ ना क्या हुआ है? प्लीज मुझे यहाँ से ले जा, प्लीज। ये आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ आपको लेना। कार्तिक, ये लो तुम्हारी चाय। क्या हुआ? इधर आओ। मेरी दी, मेरे लिए मेरा सब कुछ है। अगर तुम्हारे घर वालों ने उनके साथ कुछ भी किया होगा ना तो मैं बता रहा हूँ, अच्छा नहीं होगा। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये बात कर क्या मेरे घर वालों के पीछे पड़ जाते हो तुम? मेरी बहन वहाँ रो रही है, मैं जा रहा हूँ अपनी दीदी को लेने। हटो। पायल, क्या हुआ? कहीं जा रही हो क्या? हाँ माँ, हम थोड़ा घर जा रहे थे, कार्तिक से भी मिल लेते। अचानक से कैसे? प्रताप ने कुछ कहा क्या? माँ, माँ क्या हुआ? आप ठीक है? पता नहीं, बहुत कमजोरी सी लग रही है, सर रह रहे कि घूम रहा है। हम ठीक है, तुम जाके तैयारी कर लो। नहीं माँ, हम कहीं नहीं जा रहे, हम यही है। माँ, 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 माँ,
पानी ले आती हूँ। हाँ दी, मैं बस निकल ही रहा हूँ। ये कार्तिक सुन, तू अभी मत आ, मम्मी जी की तबीयत खराब है, अभी डॉक्टर आए थे, उन्होंने कहा कि मम्मी जी का ब्लड प्रेशर डाउन हो गया है। कार्तिक तुझे अभी आने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं उन्हें ऐसी हालत में छोड़कर नहीं आ सकती। नहीं दी, उन लोगों ने आपको रुलाया है, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। कार्तिक किसी ने नहीं रुलाया है, वो बस मुझे थोड़ी घर की याद आ रही थी तो इसलिए। वैसे तू आ ही रहा है ना अगले हफ्ते राखी के लिए, तो तब मिल लेंगे हम। हाँ दी, मैं क्यों नहीं आऊंगा, बहुत याद आती है आपकी। मुझे भी तेरी याद आ रही। अच्छा ठीक है, चल तू अपना ख्याल। ठीक है दी, ध्यान रखना अपना। क्या बात है, बहू हो तो ऐसी। इन्होंने तो पूरा घर संभाल लिया माँ, काफी अच्छे से ख्याल रखा है इन्होंने सबका, घर में सबका अच्छे से ख्याल रखती हैं। ये बेचारी भी हमारी वजह से फंस गई, अच्छी खासी अपने घर जा रही थी। अपने घर मुझसे बिना पूछे? लगता है भाई को वीडियो भेजनी पड़ेगी। वीडियो? कौन सी वीडियो? अरे माँ, मेरा मतलब है तुम्हारी सेवा करते हुए वीडियो। वो क्या है ना, आटा सता हुआ है ना, तो वहाँ वो लोग निधि से सेवा करवाएंगे। तू भी ना। पायल बेटा, अब हम ठीक है, तुम जाके सो जाओ। हाँ पायल, माँ सच कह रही है, चलो। नहीं माँ, मैं आपके साथ ही सो जाऊंगी, अगर आपको रात को किसी चीज की जरूरत पड़ी तो। मुझे किसी भी तरह प्रताप के मोबाइल से अपने वीडियो डिलीट करने होंगे। मैं माँ की सेवा करते हुए देखकर बहुत प्यार आता है तुम्हें। जबरदस्ती माँ के पास जाकर सोती हो मेरे डर से। अरे डरो मत, क्योंकि इस बार जो होगा ना प्यार से होगा। बच्चा है, क्या हो सकता है पासवर्ड? हाँ, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। इस वीडियो को डिलीट करके तुम हमारे बेटे का राज पूरी दुनिया के सामने बताना चाहती हो? माँ को सब पता था। हम माँ हैं, हर माँ अपनी औलाद के बारे में सब जानती है। हमें पहले से पता था कि हमारे बेटे को रमन पसंद है, हमने उसे घर में भी रहने दिया, पर
हमारी बेटी की शादी कब होगी? इस बात का जवाब देते देते हम थक गए थे, बहाने बनाते बनाते हम थक गए थे, तो बस कर दी उसकी शादी। माँ, हमने दिल से आपको अपनी माँ माना था। आपके बेटे ने भोला को हमारे पास भेजा, अपने दोस्त से हमारा रेप करवाया, आप सब कुछ देखती रही, बट फिर भी आपने नजरअंदाज किया सारी बातों को। लेकिन अब बस, इस घर में हमारे साथ जितना बुरा होना था वो हो चुका, अब हम आगे कुछ भी नहीं सहेंगे। आप सबकी हकीकत हम सबके सामने लेके आएंगे। तुम्हारे फोन से ये वीडियो डिलीट कर रही थी। बिगड़ैल बच्चों को सुधारना हमें बहुत अच्छे से आता है। ले चलो इसे। प्रताप छोड़ो हमें, प्रताप, प्रताप छोड़ो, प्रताप, प्रताप, प्रताप छोड़ो, प्रताप, प्रताप। आज से तू इसी कमरे में रहेगी, न किसी से मिलेगी और न ही कहीं बाहर जाएगी। तुम लोग मेरे साथ ये नहीं कर सकते। मेरा भाई आएगा और मुझे यहाँ से लेकर जाएगा। परसों राखी पे इसका भाई आ रहा है, उसे क्या कहेंगे? ये किसी से कुछ नहीं कहेगी, और अगर कहेगी तो हम पूरी दुनिया को ये बता देंगे कि ये इस घर के नौकर और अपने पति के दोस्त के साथ रंगरलिया मनाकर हमारा मुंह काला कर रही थी, और इस बात का सबूत तो हमारे पास वो वीडियो है ही। निधि, मैंने आपको बहुत मिस किया है माँ। और मैंने भी। नमस्ते मम्मी जी। खुश रहो बेटा, आओ ना अंदर आओ। भैया कहाँ है? है, वहाँ बैठे हैं। भैया कैसे हो? मैं ठीक हूँ। दीदी कहाँ है? अरे बस आती ही होगी, तुम बैठो ना, आओ जी। आओ। हाय रमन भैया। दीदी कैसी हो? बताओ ना दीदी कैसी हो? बहुत दुखी है बेचारी, ससुराल वाले परेशान जो करते हैं। अरे बहुत प्यारी है पायल, हम सब बहुत खुश हैं इसके साथ, इसके जैसी बहू पाके तो हम धन्य हो गए। भाभी चलिए अपने अपने भाइयों को राखी बांधते हैं। हाँ चलो ना बेटा बैठो जी। अब आपकी बारी। ये आपके लिए। क्या हुआ है? चलो अब। क्या हुआ है बताएगा? अरे आप मुझे बताइए क्या बात है? कुछ भी तो नहीं हुआ। अच्छा कोई बात नहीं है, मेरी आंखों में देख के बोलिए ना कि कोई बात नहीं है, कि आपको डर लग रहा है कि मैं आपकी आंखें पढ़ लूंगा। दी मैं आपका भाई हूँ, मुझे बता सकते हो? बताओ ना क्या बात है। दी आपको मेरे सर की कसम है, बताओ ना क्या बात है। कार्तिक
यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं। हर माँ अपनी औलाद के बारे में सब जानती है। कार्तिक मुझे प्लीज यहाँ से ले चल, प्लीज मुझे यहाँ से लेके चल, मैं और यहाँ नहीं रह पाऊंगी, प्लीज। इन लोगों की इतनी हिम्मत, मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं दी, छोड़ूंगा नहीं मैं। कार्तिक आ जाओ, खाना लग गया। चलो भैया। तेरी इतनी हिम्मत, ये सब क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? हाँ पागल हो गया हूँ मैं, पूरी तरीके से पागल हो गया हूँ मैं। किसी भी भाई को जब ये पता चलेगा ना कि उसके ससुराल वाले उसकी बहन के साथ ऐसी हरकतें करते हैं, तो वो पागल ही हो जाएगा। क्या हरकत की मेरे घर वालों ने? हुआ क्या है? हुआ क्या है? क्या हुआ है? तुम्हारा ये भाई मेरी बहन में नहीं बल्कि अपने दोस्त में इंटरेस्टेड है, बॉयफ्रेंड से ये दोनों, और अपनी असलियत छुपाने के चक्कर में यह हर रात धोखे से अपने नौकर को मेरी बहन के कमरे में भेजता था। और तुम जानती हो, जब मेरी बहन को इस बात का पता चल गया ना, इस रमन ने उसका रेप करके उसका वीडियो बना के ये सब लोग उसको ब्लैकमेल करते हैं। और इन सब में तुम्हारी माँ भी शामिल है। ये सब क्या है माँ? ये सच है? तो इन सब में मत पड़, ये हमारे घर का मामला है। ये आपके घर का मामला नहीं है, ये मेरी बहन की जिंदगी का मामला है जो आप सब लोगों ने मिलकर खराब की। मैं आप सब लोगों को जेल भिजवा कर रहूंगा, याद रखना ये। अच्छा पुलिस के पास जाओगे? तो याद रखना ये अटा सटा प्रथा की शादी है। अगर पायल और प्रताप का रिश्ता टूटा तो तुम्हारा और निधि का रिश्ता भी नहीं बचेगा, तुम दोनों का भी तलाक हो जाएगा। ये सब कुछ इस प्रथा की वजह से हुआ ना? मैं इस प्रथा की वजह से अपनी बहन की कुर्बानी नहीं दे सकता। चलो दी। नहीं कार्तिक प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ कार्तिक, प्लीज। दी अब इस बच्चे को ना बिना बाप के ही बड़ा होना होगा। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। कार्तिक प्लीज। चलो दी। निधि निधि संभाल। दी आप यहीं रुकिए, मैं कार लेकर आता हूँ, यहीं रुकना। दी कुछ बोलो ना दी। दी कुछ बोलिए ना दी। दी एक बार मुझसे बात करो ना प्लीज। दी एक बार मुझसे बात करो ना प्लीज। दी मुझसे बात कीजिए ना दी। दी 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 इंस्पेक्टर साहब, इन सब लोगों ने मिलकर मेरी बहन को मारा है। इस प्रताप ने मेरी बहन का रेप करवा के उसे रिकॉर्ड करके इन सब ने उसे ब्लैकमेल किया है सर। ये तो कुछ बोल ही नहीं पाए मुझसे। और आज
जब इन लोगों की असलियत सामने आई तो इन्होंने मेरी बहन को मार डाला सर। ए क्या बोल रहा है सर, ये झूठ बोल रहा है। फोन चेक करो उसका। कौन सा इंसान अपनी बीवी के साथ इतनी हैवानियत दिखाता है? सर मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैंने पायल का खून नहीं किया। ये झूठ बोल रहा है। सर, ये तो कार्तिक की घड़ी है। कार्तिक? हाँ, मैंने ही मारा अपनी दी को। मेरी बहन नहीं थी, मेरी माँ थी सर। इन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, काबिल बनाया, लेकिन मैं उनकी कोई मदद ही नहीं कर सका सर। क्या करता मैं? पायल दी अपना सब कुछ खो चुकी थी, उनके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था सर। लेकिन मेरे पास निधि थी सर, मेरा बच्चा था। मैंने सोचा कि पायल दी को मारकर उनके खून का इल्जाम उनके परिवार वालों पे लगा दूंगा, और जब ये लोग जेल चले जाएंगे ना सर, तो मैं, निधि और मेरा बच्चा शांति से रहेंगे सर। इस अटासता प्रथा की वजह से ना मेरी दी को प्रताप से शादी करने पर मजबूर होना पड़ा सर। इसी प्रथा की वजह से लोगों ने उसे ब्लैकमेल किया सर, और इसी प्रथा की वजह से आज मेरी दी मर गई सर। मुझे उनकी जान लेनी पड़ी सर। समाज में प्रथाएं तो हमेशा सबकी भलाई के लिए बनाई गई, लेकिन कुछ लोग इन्हीं प्रथाओं की आड़ में कुकांड करते हैं। आप सबने जो भी किया तो सबकी सज़ा मिलेगी, लेकिन तुम्हें सबसे बड़ी सज़ा मिलेगी। तुमने अपने प्यार को बचाने के लिए उस बहन की जान ले ली जिसने तुम्हारे लिए इतने बलिदान दिए थे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। दी। Yeah.